जम्मू कश्मीर पर सोलन भाजपा मंडल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता पूर्व सांसद बीरेंद्र कश्यप ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जो फैसला आज धारा 370 को हटा कर लिया गया है वह फैसला ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसला 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री ही ले सकता था। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सारा भारतवर्ष खुश है, जिसके लिए वे अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा सत्ता को हथियाने के लिए धारा 370 का बीज बीजा गया था, जो कई दशकों के बाद आज नष्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि J&K के नेताओं का गठजोड़ पाकिस्तान के साथ था, जिसके चलते वहां अमन शांति नहीं थी, लेकिन अब इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा। सोलन के माल रोड पर भाजपा ने रैली निकाली और पटाखे फोड़कर ऐतिहासिक फैसले पर खुशी भी जताई। इस मौके पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि धारा 370 की समाप्ति से जम्मू कश्मीर, जिसे जन्नत कहा जाता था, उसे दोबारा जन्नत बनाने के मार्ग खुल चुके हैं। यहां के पर्यटन को दोबारा पंख लगेंगे, यहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए साधन विकसित होंगे। कश्यप ने कहा कि वहां फिर से खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि जो भाजपा ने मैनिफेस्टो में प्राथमिकता रखी थी, उसे पूरा किया गया है। उन्होंने इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि नेहरू की नीतियों की वजह से जम्मू और कश्मीर इस हालत में था, लेकिन अब वहां की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सोलन शहर में बच्चों को उठाने वाला गिरोह सक्रिय हो चुका है, जो बेकॉप होकर सोलन में घूम रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब दिन दिहाड़े एक व्यक्ति के घर में घुसकर ही उठाए गिरे एक बच्ची को अगवा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तभी उन पर बच्चे के पिता की नजर पड़ गई और उठाए गिरोह ने भागने का प्रयास किया, लेकिन इतने में पिता ने शोर मचा दिया और उठाए गिरोह में से एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अधिक जानकारी देते हुए पिता ने बताया कि जब वह नहा रहा था, तब उसे जोर जोर से बोलने की आवाज आई। वह मेरी बेटी की ओर बढ़ रहे थे, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उन्होंने भागने का प्रयास किया। उनमें से एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया। इतने में आसपास के लोग भी आ गए और उसे तब तक पकड़ा रखा जब तक पुलिस नहीं आ गई। पिता ने बताया कि अगर वह थोड़ी देर बाद आता तो शायद बेटी को उठा ले जाते। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहिए था, लेकिन वह बहुत देर बाद पहुंची। शूलनी विश्वविद्यालय में सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर बीके खोसला ने बताया कि केवल 9 वर्षों में शूलनी विश्वविद्यालय भारत में 65 बार रैंक हासिल कर चुकी है। उन्होंने बताया कि आज उनका विश्वविद्यालय दुनिया भर की 250 यूनिवर्सिटियों के साथ MOU कर चुका है। उनके 50 से अधिक विद्यार्थी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विदेशों के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। शूलनी विश्वविद्यालय ने 3 मापदंडों वैश्विक औसत पर बेहतर प्रदर्शन किया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने बताया कि आज उन्हें फख्र है कि उनका विश्वविद्यालय भारतवर्ष में रिसर्च के लिए जाना जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को न केवल रिसर्च के लिए उत्साहित किया जाता है, बल्कि उनकी रिसर्च के पेटेंट्स भी करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते आज विश्वविद्यालय 350 पेटेंट्स करवा चुका है, जिसका जल्द व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भी उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2022 तक विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जगह बनाना उनका लक्ष्य है, जिसके लिए वे निरंतर काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत जिला हमीरपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के विज्ञान अध्यापकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में शुरू हो गई है, जिसमें जिला के विभिन्न स्कूलों के गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों के 300 अध्यापकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त हिकेश मीणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिला की समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में अध्ययनरत कक्षा जमा 1 तथा जमा 2 विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को नीट तथा JEE की मुख्य परीक्षाओं के लिए
विद्यार्थियों को नीट तथा जेईई की मुख्य परीक्षाओं के लिए तैयार करने के दृष्टिगत शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। नीट तथा जेईई की मुख्य परीक्षाओं की तैयारियों के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला में यह कार्यक्रम 27 जून को शुरू किया गया तथा 31 दिसंबर तक इसे एक अभियान के रूप में चलाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि अध्यापक विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना को विकसित करें और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तरह सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी नीट तथा जेईई की परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सके। उन्होंने अध्यापकों से आह्वान किया कि वह विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता विकसित करें और विशेष ध्यान दें। हर माह विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित कर उनके बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन करें। सरकारी स्कूलों के अध्यापक ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण को लेकर वह किसी भी निजी स्कूल में अपनी सेवाएं नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर के 75 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के विज्ञान संकाय के छात्र तथा छात्राएं कायाकल्प कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर उप निदेशक शिक्षा उच्चतर जसवंत सिंह, प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान राजेंद्र पाल, स्थानीय स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर तथा प्रिंसिपल हिम अकेडमी के पंकज लखनपाल भी उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में रुक रुक कर हो रही बरसात के बावजूद अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता जी के दर्शन कर चुके हैं। पिछले 3 दिनों में भारी भीड़ माता जी के दरबार में उमड़ी। हालांकि श्रद्धालुओं का उत्साह भी उसी प्रकार बरकरार है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। भारी भीड़ के चलते मेला अधिकारी बिनी दीवान ने सहायक मेला अधिकारी सुहास गौतम और मंदिर अधिकारी हुसन चंद के साथ व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और सुरक्षा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एडीएम बिलासपुर मेला अधिकारी बीने चंदेल ने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पूरे मंदिर क्षेत्र का मुआयना भी किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीने दीमान ने कहा कि अभी तक रात के समय लगभग 55,000 श्रद्धालु माता जी के दर्शन कर चुके हैं और श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ रहा है। व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू है। श्रद्धालुओं को छोटे छोटे ग्रुपों में मंदिर भेजा जा रहा है। पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान, एक्स सर्विसमैन, फौजी एवं स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं के वॉलंटियर श्रद्धालुओं की सुविधा और शिक्षा हेतु डटे हैं और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। मेला अधिकारी ने कहा कि मेले के दौरान पानी, बिजली, विद्युत, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू है। उन्होंने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है और जहाँ जहाँ कमी है वहाँ पर अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम है और उसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है।